गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हालांकि इन ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे इज द लैंग्वेज पीरियड एंड इन द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज। लास्ट सेशन आई टॉट यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बट टुडे आई विल टीच यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन विच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस it will be just like present perfect continuous. This is the major difference, that the particular verb is in continue in the from the past and now continue also. yani past perfect continuous mein kya hai ki koi kaam pehle se hi start raha hoga, yani pehle se start hai aur abhi bhi wo work ho raha hai, yani abhi bhi work continue hai, उसको क्या बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम इसमें जरूर मेंशन होगा, जैसे कि फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहेगा, यानी टाइम इनके साथ इंक्लूड रहता है, वर्क की कंटिन्यूटी पाई जाती है और टाइम भी दिया जाता है कि वर्क कंटिन्यू है तो कब से। तो इसकी आइडेंटिफाई देखते हैं, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, इट शो continuity of the work from past with time, time के साथ work की continuity को show करता है। इसके लिए rule क्या रहेगा, simple sentence अगर है तो subject रहेगा, फिर हैड बीन रहेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर वर्ड रहेगा, फिर सिंस फॉर्म बना लेंगे, सिंस फॉर्म का यूज करेंगे और फिर टाइम रहेगा, सबसे लास्ट में क्या रखेंगे टाइम को इंक्लूड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जनरल सेंटेंस का यानी सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लिखा है यू हैड बीन वॉकिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस सेंटेंस अप्लाई द रूल ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, then had been, ing form of the verb, object, since for, and time. Negative formation of this sentence, negative sentence, the rule will be such type, subject, had, not, been, ing form of the verb, object, अदर वर्ड, सिंस फॉर प्लस टाइम। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। केवल क्या करेंगे, हैड के बाद नॉट का यूज कर देंगे अगर निगेटिव सेंटेंस है तो, सिंपल है तो हैड बीन रहेगा, और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हैड नॉट बीन रहेगा, बाकी फॉर्मेशन सिंपल की तरह रहेगा, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनता है, एक तो सेंटेंस वो जब सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब हो, यानी हेड से स्टार्टिंग हो, तो कैसे, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज मींस हेड से जब स्टार्ट होगा तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, इसके लिए रूप रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हेड लिखेंगे,
हेड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर नॉट है तो नॉट लिख देंगे, फिर बीइंग का यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का, फिर सिंस फॉर और फिर टाइम का यूज करेंगे। यानी ये फॉर्मेशन आपका रहेगा इंटरोगेटिव का, तब जब आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, हैड ही नॉट बीन परचेजिंग सम आर्टिकल्स फॉर 5 days, ये जो सेंटेंस आपका है कैसा रहा? सेंटेंस किससे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हैड से स्टार्ट है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब इसी का जो सेकंड फॉर्मेशन होता है उसको देख लेते हैं। व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन मार्क, यानी डब्ल्यूएच टाइप के जो क्वेश्चन सेंटेंस होंगे उनको देखते हैं। इसके लिए जो रूल रहेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर हेड रहेगा, हेड के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर नॉट है तो नॉट रहेगा, फिर बीन आ जाएगा, बीन के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा, फिर अदर वर्ड का यूज होगा, फिर सिंस फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा, सिंस फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा, लास्ट में मार्क आप इंटरोगेशन जरूर लगा देंगे। स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे लिखा है, वाई हैड द कारपेंटर नॉट मेकिंग फर्नीचर सिंस 15 जुलाई। तो इस तरह से आपका इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन भी हो गया। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आपको इस सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को थोड़ा सा देख लेते हैं, सारे रूल सही हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, उसकी आइडेंटिफाई जो कुछ भी है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम लोग बात करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई देख लेते हैं, आइडेंटिफाई, इसमें आइडेंटिफाई क्या करते हैं, इट शो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द वर्क इन फ्यूचर विद टाइम, टाइम के साथ फ्यूचर में वर्क की कंटिन्यूटी को शो करने का काम करता है। ठीक है, इसके लिए रूल जो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल, हैव बीन या फिर शैल हैव बीन में से कोई एक लिखेंगे। ये आपको मालूम है कब शैल हैव बीन लगाया जाएगा, कब बीन हैव बीन लगाया जाएगा, जब फर्स्ट पर्सन होगा तभी शैल हैव बीन का यूज होगा, अदरवाइज विल हैव बीन का यूज होगा। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस या फिर और फिर टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कह दिया, माय ब्रदर विल हैव बीन कमिंग फ्रॉम आगरा सिंस 5 o'clock मॉर्निंग। इस तरह से सेंटेंस आपका फ्रेम हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का, सिंपल सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब बात करते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस कैसे रहेगा? नेगेटिव सेंटेंस में के
केवल विल सेल के बाद जो रूट हेल्पिंग वर्ब होती है विल सेल, उसी के बाद नॉट का यूज कर देंगे। इसके लिए उसके बाद ये रूट देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर विल सेल में से कोई एक लिखा जाएगा, फिर नॉट का यूज कर देंगे, फिर वर्ब की, फिर हैव बीन का यूज किया जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर्म, फिर टाइम का यूज किया जाएगा। इस तरीके से हमारा नेगेटिव फॉर्मेशन रहेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कैसा, जैसे हमने बोल दिया द फैन, द फैन विल हैव, विल नॉट हैव बीन मूविंग सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स इस तरह से नेगेटिव फॉर्मेशन इसका हो गया। इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन भी इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटेरोगेटिव व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, यानी विल सेंस से जब सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा, तो जब सेंटेंस हमारा विल सेंस से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले जो रहेगा वो विल सेंस का यूज होगा, विल सेंस के बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो नॉट रहेगा, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हैव बीन का यूज होगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अगर दिया है फिर सिंस फॉर का यूज करेंगे, और फिर टाइम का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा इसका ये फॉर्मेशन रहेगा, यानी इंटेरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट, यानी जब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा है विल यू नॉट हैव बीन रिपेयरिंग माय टीवी सिंस मंडे। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अगर इसी का बी टाइप का सेंटेंस है, बी टाइप मतलब व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो रूल क्या रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर विल सेल में से कोई एक रहेगा, विल सेल के बाद सब्जेक्ट रहेगा, अगर नॉट है तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, फिर हैव बीन रहेगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर सिंस फॉर रहेगा, और फिर सिंस फॉर के बाद टाइम रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कह दिया गया व्हाई विल यू नॉट हैव बीन कॉलिंग योर ब्रदर इन द मीटिंग, इन द मीटिंग फॉर टू मंथ। इस तरह सेंटेंस हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स ये आप ठीक से समझ गए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इससे रिलेटेड आपको 10-10 सेंटेंसेस लिख करके ग्रुप पर सेंड करना है। यही आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको 10 सेंटेंसेस लिख करके भेजना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।